नमस्कार दोस्तों, मैं देव शर्मा। दोस्तों, आज नीट 2019 के बारे में अपन बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स 1 नवंबर को रिलीजिंग जो है वो होने वाले हैं, और भी 5 ऐसे टॉपिक्स के बारे में, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपन बात करेंगे जिनको जानना नीट के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले पॉइंट के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी जो बुक्स है और उनके अंदर कौन कौन से लेसन्स हैं जो वेटेज रखते हैं 2019 में आने का। दूसरों मैं दूसरा या तीसरा टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक बताने वाला हूँ। उस टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि क्या बायोलॉजी के वाकई में चैप्टर चेंज हुए हैं। बायोलॉजी की 50% बुक पिछले साल की तुलना में अब चेंज कर दी गई है। क्या हुआ है नया चेंजेस, वो अपन इस वीडियो में सारी बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ऑल सेट टू रिलीज नीट 2019 एप्लीकेशन फॉर्म 1 नवंबर 2018 को। अप्रोक्सीमेटली 13 लाख बच्चे जो है वो इस बार एग्ज़ाम देने में बैठेंगे। 5 मई 2019 को एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो इन 5 इम्पॉर्टेंट बातों को जरूर जान लें पेपर देने से पहले। पहली बात, नीट 2019 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज्ड ऑन ओल्ड वेबसाइट। दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो www.NTA.ac.in है उस पर रिलीज न होके CBSE.NIC.in पर ही रिलीज किया जाएगा। जबकि CBSE अब नीट 2019 को कंडक्ट तो नहीं कर रहा है, बट NTA.ac.in पर नहीं आके इस बार CBSE.NIC.in पर ही जो है वो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ये आशा जताई जा रही है। सच इन बिकॉज द एप्लीकेशन फॉर्म द JEE मेन वाज आल्सो रिलीज ऑन ऑल वेबसाइट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये एक मेन टॉपिक है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या इस बार CBSE की जो पुरानी वेबसाइट है उस पर ही फॉर्म ऑफिशियली जो है वहाँ पर ही आएगा या NTA.ac.in पर आएगा। तो यह हुआ पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक के अंदर मैं बात करूंगा कि नीट 2019 के अंदर इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जो वेटेज रखते हैं अपने एक लेवल का, जिनको क्लियर करने मात्र से आप 450 से 500 अंक जो है वो ज़रूर ला सकते हो। तो नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसमें ये बताया गया है। 8 मंथ से ज़्यादा जो है वो नीट 2019 में अब नहीं बचे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि बेस्ट लेसन्स फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसको 22.22% दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 11.11%, मैकेनिक्स 28.89%, मॉडर्न फिजिक्स 6.67%, ऑप्टिक्स 11.11%, SHM एंड वेव्स 8.89%, केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट 17.78%, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड 17.78%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकंड 6.67। और दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेकंड है वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है 28.89, मतलब 29% तक का। फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट 15.56%, फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड 13.33%, बायोलॉजिकल, अब इस बायोलॉजी में चलते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 6%, सेल बायोलॉजी 8%, इकोलॉजी 12%, जेनेटिक्स 10%, लिविंग वर्ड 2%, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12%, मॉर्फोलॉजी 2%, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 2%, प्लांट एनाटॉमी 6%, प्लांट किंगडम 12%, प्लांट मॉर्फोलॉजी 4%, प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 10%, एनिमल किंगडम 7.5%, एनिमल मॉर्फोलॉजी 2.50%, एनिमल फिजियोलॉजी 2.50%, बायोमोलिक्यूल्स 10.10%, बायोटेक्नोलॉजी 7.5%, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 7.5%, ह्यूमन फिजियोलॉजी 40%। तो दोस्तों, आप ऊपर से लेके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तक आप यदि छोड़ो और ओनली ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप क्लियर करते हो तो 100 में से 40 नंबर ये आपको अकेला दिलाने में सक्षम है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको वेटेज के लेवल से बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लेसन्स बताए। मेरे को जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा 40% वेटेज रखता है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28.89% वेटेज रखता है, इसी तरह फिजिक्स में मैकेनिक्स जो है वो 28.89% जो है वो वेटेज रखता है। तो यह जो आपको मैं बता रहा हूँ वो अगलासम.com की एक वेबसाइट है, उसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ।
कैंडिडेट कैन आल्सो चेक मोर डिटेल्स, इस वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं। तीसरे टॉपिक के ऊपर अपन चलते हैं, तो वो है NCERT बायोलॉजी बुक हैज चेंज्ड, सो रेफर टू द न्यू बुक। NTA हैज क्लियरली स्टेटेड दैट द सिलेबस ऑफ नीट 2019 विल बी सेम एज बिफोर। रखा तो NTA ने भी बिफोर, मतलब पहले के जैसे ही NTA ने भी सेम सिलेबस रखा है, परंतु NCERT जो बायोलॉजी की बुक है उसको रेफर हम हमेशा से करते आए हैं और अब भी करेंगे। तो दोस्तों NCERT से आगे कुछ भी नहीं जाएगा, NCERT जो है वो ही बुक आपको जो है वो क्लियर करके जानी है। देयर वॉज सम फैक्चुअल एरर्स इन द बायोलॉजी बुक एरर, सो इट वॉज चेंज्ड, हैंस इन बेटर टू कैंडिडेट रेफर टू न्यू बुक ओनली। दोस्तों पुरानी वाली जो NCERT बायोलॉजी बुक है उसमें कई जो है वो यहाँ पे फंडामेंटली एरर्स आ चुके हैं, तो उसको जो है वो आप छोड़ दीजिए और जो नई बुक जो है वो छपी है उस पर जो है वो आप ध्यान दें, तो नीट 2019 में आपको ऊपर वाले सारे वेटेज वाले जो लेसन है वो आपको मिल जाएंगे। एंड में थोड़े दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो बुक जो है वो मैं मेरी ओर से प्रोवाइड करवा दूँ, तो कितने कितने जो है वो तैयार हैं उस बुक के लिए आप ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चौथा पॉइंट है, एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑफलाइन इन सिंगल स्लॉट। दोस्तों कई र्यूमर निकल के आ रहे थे कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन अब जो है वो पूर्ण रूप से पता लग चुका है कि पेन एंड पेपर मोड पे ही एग्ज़ाम होगा और 11 लैंग्वेज के अंदर जो है वो एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न वो 180 क्वेश्चंस आएंगे, 720 मार्क्स का होगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी जो है वो शामिल होंगे। मल्टीपल चॉइस जो है वो आपको 4 यहाँ पे दिए हुए होंगे आंसर, उसमें से एक पे आपको जो है वो टिक करना होगा। नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, 1 मार्क इन द एग्ज़ाम। पांचवा जो टॉपिक है वो है ऑल द डेट फॉर नीट 2019, ये सबसे मस्ट है। जो नीट के लिए रिलीज हुई है डेट वो है नवंबर 1 से 30 के बीच में जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। आप डाउनलोड 15 अप्रैल तक इसको कर पाएंगे क्या, एडमिट कार्ड। और एग्ज़ाम जो है वो आपका 5 मई को कंडक्ट किया जाएगा और रिजल्ट 5 जून 2018 को आपको 2019 को रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो ये मैंने आपको आज 5 टॉपिक बताए हैं, इन 5 टॉपिक को ध्यान में रखे यदि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे पूर्ण रूप से वेटेज लेसन्स के साथ, तो मेरी ओर से ये पूर्ण रूप से आशा है कि आप 70% एग्ज़ाम जो है वो कर लिए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको 450 नंबर से प्लस लेके आने हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चों को दिखाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि किस किस को बुक चाहिए। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 50 बुक जो है वो बांटूंगा गिव अवे कॉन्टेस्ट में, तो इसमें भाग लेने के लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर ज़रूर करें किस किस को ये बुक चाहिए। बायोलॉजी से रिलेटेड बुक है, 40% वेटेज रखती है, तो दोस्तों ज़रूर ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।